सच्चिदानंद भगवान के नंदोत्सवात्मजम् उत्पन्ने जात हल्लादो महामनः आहुया विप्राणाम् वेद ज्ञानयस्ताति सुलज्जितः। दूसरे दिन जब ब्राह्मणों को पता चला कि महाराज नंद के यहां लाला का जन्म हुआ है, पहुंच गए और ओम स्वस्ति नरेन्द्र ऐसे स्वस्ति वाचन का उच्चारण करने लगे, मांगलिक मंत्रों का उच्चारण करने लगे। बाबा ने धेनु नाम निवते प्रासाद विप्रेभो अलंकृत तिलाद्रियं सप्तरत्नो गसात कुंभ मापितं धेनूनां निवते प्रासाद विप्रेभे समलंकृत। गौदान किया, वस्त्र आभूषण से सबको अलंकृत किया, सभी ब्राह्मणों को, और गोपियां समस्त जाकर के माता रोहिणी को और माता यशोदा को सबको बधाई दे रही है। रोहिणी महाभागा नंद गोपाभिनंदिता चावर दिव्य वासा माता रोहिणी बिलाला करके आभूषण गले का कंठा आदि दान कर रही हैं, दे रही हैं, सब जो घर में जो आता है हाथ में लुटा देती है। ऐसा उत्सव मनाया गया। माता रोहिणी माता यशोदा ने बाबा नंद ने ऐसा उत्सव मनाया, ऐसा दान दिया कि नंद कछु इतनो जो दियो घनश्याम कुबेर की मति बौरी। कुबेर के खजाने में खजाना तो खाली हो गया और कुबेर भी पागल हो गए कि ये कहां था। देखत मोहि लुटाई दियो न बची बछिया छछिया न पिछोरी। जो ऐसा उत्सव मनाया गया। इधर उत्सव चल रहा है और उधर सुबह जब पता चला कंस को तो पता चला कि वहां आठवां गर्भ क्या हुआ। बोले आठवीं गर्भ में तो कन्या हुई है। बोले कन्या हुई है। बोले कन्या को ले आओ। माता देवकी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कि महाराज इस कन्या को छोड़ दो, इस कन्या को छोड़ दो। बोले कि नहीं, इसको नहीं छोड़ूंगा, अगर ये नहीं मारेगी तो इसका होने वाला वंश मारेगा, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। और जैसे उठा करके पटका पटकना चाहा, ऊपर को उठाया तुरंत हाथ से छूट करके और उड़ गई कन्या आकाश मार्ग में। और दिव्य रूप धारण कन्या कन्या ने बार बार चरने जगदम्बा का और बोले दुष्ट तुम मुझे क्या मारेगा, कंस तुझे मारने वाला तो इस ब्रज 84 में ही ब्रज में ही पैदा ले लिया, उसका नाम है कृष्ण। बोले देवी देवी सुनो सुनो माँ सुनो, जरा एड्रेस का कुछ बता दो। बोलिए नहीं बताऊंगी, जा ढूंढ और तेरा सर्वनाश हो जाएगा, तेरे बाप का घड़ा भर गया है राक्षस,
इतना कह करके और देवी योग माया आकाश मार्ग से चली गई। इसने आपातकालीन मीटिंग बैठाई, मीटिंग बैठाई, 7 दिन तक मीटिंग चली। कोई कह रहा है मैं जाऊंगा और फिर 84 कोस में इस 7 दिन के अंदर जितने बच्चे होंगे हुए होंगे सबको मार दूंगा। बोले तुम्हें जाने कौन देगा, जाने कौन देगा तुम्हें, इतने बड़े बड़े हाथ पैर तुम्हारे, इतने बड़े बड़े नाखून और बाल, तुम्हें कौन जाने देगा। बोले हाँ ये तो बात है, एक अम्मा आ गई, बड़ी विचित्र अम्मा है। वो आई बोली मैं जाऊंगी राजन, चिंता मत करो। बोले कैसे जाओगी, तुम कैसे जाओगी इस तरह से, इस भेष में कोई घुसने देगा, मुझे इच्छा शक्ति वरदान है। उन्होंने कहा मैं स्वरूप बदल सकती हूँ, दिखाऊं। तुरंत मंत्र को पढ़ा और ऐसे किया, दिव्य सुंदर स्त्री बन गई। बोले ऐसे जाओगे, अहो ते देव की पुत्र कंसेन बहवो हतः एकावष्ट वरजा कन्या सा विदिवांगता। वो कन्या तुरंत चलती, कन्या तो चली गई और इधर बता के चली गई, पूतना गई, उसका नाम था पूतना। और जा करके जब नंदगृह में प्रवेश की तो अपना वह शरीर सुंदर स्त्री का बना ली और घूंघट और कर ली। घूंघट में तो बहुत बड़े बड़े काम हो जाए, अब यहां तो भीड़ कम है, जहां 4 घंटे की कथा होती है वहां तो चाय भी थर्मस में लेके माताएं आती हैं। अब भाई लोग तो नहीं पी सकते, सब दिखता है, लेकिन ये तो थोड़ा सा सो भी सकती हैं इसी घूंघट में। तो थोड़ा सा घूंघट कर ली और भर के चौकड़ी और नाचने लगी, जैसे सब उत्सव मना रहे हैं उसी बीच में नृत्य करने लगी। जब देखा तो सबके बीच में, अब सब कोई भाई, अब आपके यहां कोई अतिथि आ जाए और शायद आपको जानता हो, आपके दिमाग से निकल गया हो कि ये कौन है, तो आप उससे पूछ नहीं सकते हैं। पूछेंगे नहीं, पूछेंगे तो नाराज नहीं हो जाएगा कि भाई आप कहाँ रहते हैं, यही समझेगा कि मैं तो इनके यहाँ अतिथि हूँ, आया हूँ और इनको याद ही नहीं कि मैं कौन। पूछना थोड़ा सा अभद्र लगता है, जब बाद में पूछो उससे बात करते 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 कुछ पता चल जाए बात, अब ये बोलती कुछ नहीं है, बोल पट्टी ना खुल जाए, बाल ना झुला रही है और गा रही है। जब देखा नंद के लाला की जय हो, नंद के लाला की जय हो, गा रही है, वो घूम रही है, नाच रही है, सबके ऊपर जब विश्वास टिका लिया, माता यशोदा ने कहा कि देवी तुम पालना पे बैठो, पालना झुलाओ और मैं थोड़ा सा अतिथि सत्कार कर लूं, घर पे अतिथि सब आ रहे हैं बधाई देने। बोले जाओ जाओ जाओ, कोई बात नहीं जाओ, हम तो इसीलिए आए हैं, मौका पाते ही जैसे मौका मिला तुरंत अस्तन पान बनाने लगे और अस्तन में कालकूट का जहर लगा के आए। अस्तन पान कराने लगी, एक घूंट पिया भगवान ने, दो घूंट पिया, 2 मिनट हो गया, 4 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया। बोली क्या हुआ, ऐसा जहर ये बच्चा पी रहा, इसको कुछ हो नहीं रहा है। धीरे धीरे कुछ देर बाद हुआ, बोली इसको तो कुछ नहीं हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है, बीपी बढ़ने लगा, ऑक्सीजन कम होने लगा उसका और ये धड़ाम से गिर गई। बोली ये बेटा ये वाला छोड़ 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 मुझे छोड़,
भगवान बोल पड़े, बोले कि मैया मोए पकड़वो आवे छोड़वो तो आवे ना। बोले अरे ये तो छोटे बच्चे, ये इतना बड़ा छोटा बच्चा, 7 दिन का बच्चा बोल रहा है, बड़ों के जैसे बोल रहा है, हे भैया छोड़ छोड़ छोड़। भगवान ने अस्तन पान करके और अस्तन से ही प्राण खींच लिया और द्राम से गिरी तो भागवत में 18 किलोमीटर त्रिपदानी, एक पदान पाद्यानी 6 किलोमीटर का होता था, 2 कोस का। 18 किलोमीटर के जितने वृक्ष लगे हुए थे सब चूर्ण बन गए, त्रिपदानी वृक्ष चूर्ण सब चूर्ण बन गए। लेकिन और गिरी ब्रजवासी लोग तो बड़े और भाव से कहते हैं, कहते हैं कान गिरा कानपुर में, बाल गिरा बरेली में, हाथ गिरा हाथरस में, लेकिन भागवत में व्याख्या है 18 किलोमीटर की। 18 किलोमीटर लंबा शरीर, वास्तव शरीर जब वास्तविक शरीर में अपने आई तो 18 किलोमीटर में गिरी। बुलबाल कृष्ण लाल की सामंचम्रजलाभिति प्रभाषिणीसंगम जीवमर्मणि वृत्ते नेत्रं चरणो भुजे मुहुं वाचदुर्भम मह। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन जब पूछना को ब्रजवासी आए, आवाज सुनी, ब्रजवासी सारे दौड़े, नंद बाबा आए और पकड़ कर तुरंत भगवान को उस जो उठे भगवान कार भयो और उठा करके गोद में लिया माता यशोदा ने, और गोद में लेकर के झाड़ा लगा रही है। गाय की पूंछ से झाड़ा लगा रही है। बोले ही भगवान ये क्या है? बोली ये वही तो है जो आई थी पालना पे बैठी थी, ये राक्षसी कहां से आ गई है भगवान? ब्रजवासी जब उसके शरीर को लेके गए और उसका संस्कार किया तो उसके शरीर से दिव्य सुगंध निकलने लगा। वरहा इंद्राणी हरि के संप्राणा नाम नारायण वासो इत्यंते मनो यज्ञो योगेश्वरवतो। जब लेके गए उसको जलाया तो दिव्य सुगंध निकला, क्यों? क्योंकि परमात्मा ने उसका स्तनपान किया था, परमात्मा ने स्पर्श किया था, उसने पर साक्षात ब्रह्म का दर्शन कर लिया। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई राम न सकहि नाम गुण गाई। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित ने ही प्रश्न किया कि गुरुदेव ऐसा क्यों?
ये तो मारने आई थी, भगवान से द्वेष किया। बोले अब मैं तुम्हें क्या बताऊं राजन, भगवान से कोई द्वेष नहीं करता है, ये सब उसका कर्म होता है। शिशुपाल चुन चुन के गाली देता था भगवान को, 99 गाली दे करके तब वो ब्रेकफास्ट करता था, लेकिन अंत में भूल से उसने 100 गाली दी। और जब वो उसकी मृत्यु हुई तो वहां से एक दिव्य आभा निकली और वो आभा आकाश मार्ग से होकर के और भगवान की ज्योति में समाहित हो गई। इसलिए भगवान को कोई कैसे भी याद करे, उसकी सदगति होती है। भगवान 6 महीने के हो गए, एक अघासुर आया, कंस ने भेजा, अघासुर का वध किया, अघासुर का संहार किया और कैलाश पर्वत पर बैठे। बाबा जी सोच रहे हैं कि मैं भी चलूं, उस ब्रह्म का दर्शन करूं, आज मेरे ब्रह्म बाल रूप में जन्म लिया है, मानव रूप में 6 महीने के हो गए हैं, चल करके दर्शन तो कर। भोलेनाथ चल दिए, भोलेनाथ वहां से चल दिए। बलबाल कृष्ण लाल की, बोल शंकर भगवान की, भोले बाबा ने डमरू बजाया, जय द्वार आकर के अलख जगाया, लाल का मुख दिखा दे, लाल का yeah।